हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने 13.8 के क्वेश्चन कर लिए थे और उसके फॉर्मूले भी देख लिए थे। दो फॉर्मूले और हैं जो याद रखने हैं, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 × भुजा की स्केयर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई। ये दो फॉर्मूले और उसमें ऐड करोगे जो आपने याद रखने, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, हमने दो तो कर लिए थे, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार होल की फर्श का परिमाप, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप, आयताकार सॉल्यूशन ही देखेंगे, क्वेश्चन आप बुक से देखते रहो। आयताकार होल के फर्श का परिमाप आयताकार होल के फर्श का परिमाप दिया है हमें 250 मीटर। आयतक का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई इक्वल में कितना दे रखा है हमें 250। इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आगे क्या दिया है इसमें, यदि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत। अब देखो, चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल की बात करें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आयताकार होल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई। मान लेते हैं, माना इसकी ऊंचाई क्या है, एच मीटर। क्या मान ली इसकी ऊंचाई, एच मीटर, और समीकरण एक से इसकी रख देते हैं वैल्यू। समीकरण एक से 2 × लंबाई + चौड़ाई कितनी है, 250 H मीटर की स्केयर। तो हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया, 250 H मीटर की स्केयर। अब आगे इसने क्या बोलते हैं, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। अब वो क्या बोलता है इसमें, एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना लगता है दीवार पर पेंट करने का, एक वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्च वो बोलता है कितने रुपए है, 10 रुपए। हमारे पास कितने वर्ग मीटर दीवार है, 250 H, तो 250 H वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्च कितना आ जाएगा, 250 H × 10, तो कितना आ जाएगा, 2500 H रुपए। कितना आ जाएगा, 2500 H रुपए। लेकिन वो बोलता है कितना है पेंट कराने की लागत, प्रश्नानुसार वो बोलता है पेंट कराने की लागत है 15000 रुपए, और हम कितने बोल रहे हैं, 2500 H रुपए। उसके हिसाब से कितने लग रहे हैं, 15000, हम कितने बोल रहे हैं, 2500 H, तो H इक्वल यहां से कितना आ जाएगा, 2500 गुणा में इधर भाग में, तो 15000 अपॉन में 2500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 25 × 6 = 150, तो 6 मीटर। तो उसकी ऊंचाई कितनी है दीवार की, इस होल की, 6 मीटर। देखो उसने क्या बोला था, आयताकार होल के फर्श का परिमाप दे रखा था हमें 250 मीटर, ठीक है। अब आयत का परिमाप हमें पता है क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। क्यों होता है, देखो आयत इस प्रकार से होता है, ये लंबाई भी एल, ये लंबाई भी एल, ये चौड़ाई बी, ये चौड़ाई एल प्लस बी, यानी क्या हो गया, 2 × लंबाई + चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, चारों ओर एक चक्कर में तय कीजिए। अब उसने बोल के परिमाप कितना है, 250 मीटर, 250 मीटर। अब बोलता है चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्चा 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 15000 है,
तो हमने पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल देख लिया कितना आ गया, ऊंचाई h मान ली इसकी होल की, तो 2 * लंबाई प्लस चौड़ाई * ऊंचाई, तो 2 * लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है 250 h वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्चा ₹10, तो हमारे पास कितने वर्ग मीटर है 250 h वर्ग मीटर, इस पर खर्चा कितना आ गया 2500 h रुपए। उसके हिसाब से कितने लेते हैं 15000 रुपए, हमारे हिसाब से 2500 h रुपए, तो h की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करोगे। तो ये क्या गया इस आयताकार होल की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, क्या बोल रहा है इसमें कोई डिब्बा, उसमें जो भरा हुआ पेंट है वो 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे से कितना पेंट किया जा सकता है 9.375 वर्ग मीटर। ये बोलता है इस डिब्बे से कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 × 10 × 7.5 सेमी विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती। अब उसने बोल रखा है लंबाई दे रखी है ईंट की, लंबाई L इक्वल 22.5 सेमी, चौड़ाई स्मॉल b इक्वल 10 सेमी, ऊंचाई h इक्वल 7.5। अब इस विमा की कितनी ईंट जो है वो कह रहे हैं पेंट की जा सकती है। तो यहां पर सबसे पहले हम ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, कितना आता है इनका क्षेत्रफल, 2 * लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई * ऊंचाई प्लस ऊंचाई * लंबाई। तो 2 * लंबाई है 22.5 * चौड़ाई 10 प्लस 10 * 7.5 प्लस 7.5 * 22.5, तो 2 * 22.5 * 10 तो 225, 10 * 7.5 75, 22.5 और 7.5 इनका गुणा करते हैं 5 * 5 25, 2 अंशी, 10 और 35 45 और 2 47 4 अंशी, फिर 10 और 14 यहां पर हो गए 24 और 4 28 2 अंशी, 14 और 2 16, तो कितना आ गया यहां पर 168.75 168.75 इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2 * 0.75 5 और 5 10 और 8 18 कितनी अंशी 1 और 2 3 और 7 10 और 6 16 हंसिल, फिर 1 और 2 3 और 1 4 तो 2 5 10 1 अंशी 2 7 14 और 1 15 फिर 1 2 8 16 और 1 17 1 2 6 12 और 1 13 2 6 8 और 1 9 वर्ग सेमी। कितना एरिया है हमारे पास 937.50 वर्ग सेमी। अब देखो वो कितना बोल रहा है कितना पेंट किया जा सकता है 9.375, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि डिब्बे में भरे हुए पेंट से डिब्बे में भरे हुए पेंट से क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है 9.375 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को वर्ग सेमी में बदलना है तो कितने से गुणा करेंगे, पहले तो सेमी वर्ग मीटर, तो 100 * 100 वर्ग मीटर को वर्ग सेमी में बदला है, अगर सीधा मीटर को सेमी में बदलते तो 1 बार 100, अब वर्ग मीटर को वर्ग सेमी में बदला है क्योंकि हमारा यहां पर ये क्वेश्चन किसमें है वर्ग सेमी,
तो अपॉन में यहां पर कितना आ गया 1000, ये जीरो कैंसल, तीन जीरो इसकी भी कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आ गया 93,750 वर्ग सेंट। वो कहता है कितना एरिया यहां पर इस डिब्बे से पेंट किया जा सकता है 93,750 वर्ग सेंट। अब देखो मान लेते हैं, माना एन ईंट पेंट की जा सकती, मान लिया एन ईंट पेंट की जा सकती है, तो एन इंटू कितना एरिया है एक ईंट का 937.50 इक्वल में वो कितना कह रहा है कितना हो सकता है 937.50। तो यहां पर ये गुना में भाग में ले जाएंगे तो n इक्वल 937.50 बटा में 937.50, पॉइंट हटाएंगे तो इनटू में यहां पर 100, ये पूरा कैंसिल, तो n इक्वल कितना आ गया 100 ही। तो कितनी ईंटें इस पेंट के डिब्बे से पेंट की जा सकती है 100 ईंटें हम पेंट कर सकते हैं। देखो भी क्या बोला है उसने, डिब्बे में भरा हुआ पेंट है उससे 9.375 वर्ग मीटर जो है ना हम एरिया हम पेंट कर सकते हैं उस डिब्बे से। तो ईंट उसने पूछा कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, तो एक ईंट का हमने सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, कितना आ गया एक ईंट का 937.50 वर्ग सेंट। अब वो बोलता है डिब्बे में जो भरा हुआ पेंट है उससे कितना क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है 9.375 वर्ग मीटर, इसको किसने बदल दिया वर्ग सेमी, यानी कितने वर्ग सेमी हम पेंट कर सकते हैं। एक ईंट का कितना है 937.50 वर्ग सेमी, मान लिया इससे एन ईंटें पेंट की जा सकती है, तो एन इंटू ईंट का एक ईंट का क्षेत्रफल इक्वल में टोटल एरिया जो किया जा सकता है जितना उस डिब्बे से किया जा सकता है इक्वल में रखेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, तो कितने ईंटे हम पेंट कर सकते हैं 100 ईंटे। बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इन क्वेश्चनों में जो भी जितना भी करवाया किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकता है, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।